क्रिस्पी टेस्टी गुड़ पारों की रेसिपी बनाते हैं। वेलकम टू प्योर कुकिंग। देखिए ये गुड़ पारों की रेसिपी है। ये गेहूं के आटे से और गुड़ से बनाया है मैंने। देखिए इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, ये कितने परतें बनी है, लेयर्स वाली मिठाई बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है, मैदा नहीं आटा लेना है। इसमें थोड़ा सा 1 पिंच सॉल्ट और 1/4 कप इलायची, और यहाँ पर मैं 1/2 कप घी ऐड कर रही हूँ। ये घर का बना हुआ घी है इसलिए आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंस लग रहा है। अब ये देखिए घी को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से, और इस तरह से मिला देंगे। और मुट्ठी बननी चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि घी आपने सही क्वांटिटी में आटे में डाला है। अब पानी दे लेंगे, सादा पानी, और इसका एक टाइट डो बनाएंगे। हार्ड डो बनाना है हमको, और जिस तरह से पूरी का डो बनाते हैं वैसे। तो देखिए ये इसमें अब ये कंबाइन हो गया है, और इसमें घी डालूंगी मैं, और अच्छे से इसको मिक्स करके इसे रेस्ट करने के लिए रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए, ताकि आटा अच्छा रेडी हो जाए। देखिए स्मूथ कर लिया है मैंने आटे को अब घून के। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब 1/2 घंटा हो गया है। अब मैं इसे खोलकर और स्मूथ कर रही हूँ हाथ से। थोड़ा सा मैंने इसे गूंद कर स्मूथ कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे पोर्शंस ले लेंगे और इसे बेल लेंगे। और इसको हमने सवालियाँ जिस तरह से होती हैं उतना ही बेलना है, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा थिन बनाना है। बहुत ज़्यादा थिन बना लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। और बहुत ज़्यादा पतले मोटे भी नहीं बनाना है, वरना अंदर कच्चे रहेंगे। तो जिस तरह से सादी पूरी होती है उस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है। अब हम इसके किनारे कट करेंगे। मैं इन्हें सिलेंड्रिकल शेप में बना रही हूँ, खड़े खड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो डायमंड शेप, अपनी मर्ज़ी का शेप बना सकते हैं, लेकिन ये शेप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो 1/2 इंच के मैं इस तरह से पट्टियाँ काट रही हूँ, और अब इसमें से हम 3 पार्ट्स कर लेंगे। देखिए और इसकी थिकनेस यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। अब इसी तरीके से सारे गुड़ पारे हम बेल कर रेडी कर लेंगे पहले। तो जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ही हेल्दी है, ये गेहूँ के आटे का घी और गुड़ है, तो आपको ये बिल्कुल आपको खाने में चीट फील नहीं होगा, गिल्ट फील नहीं होगा, गिल्ट फ्री मीठा है। अब देखिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और इसे चेक कर लिया है। तेल गरम होने के बाद में मीडियम फ्लेम पर अब हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आंच इसकी तेज़ नहीं रखनी है, वरना ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से तले जाएंगे नहीं। और लो फ्लेम पर रखेंगे तो ऑयल अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो सो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। स्टोव की फ्लेम का ध्यान रखना है, तेल का टेम्परेचर का ध्यान रखना है आपको। और देखिए ये एक तरफ जैसे ही फ्राई होंगे हम इन्हें दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो हमने घी डाला है इसकी वजह से इसमें अच्छे से लेयर्स बनेंगी। और देखिए ये फूले फूले कितने क्रिस्पी लग रहे हैं अभी से, कितने टेस्टी लग रहे हैं देखिए आप। और हमने मैदा का यूज़ नहीं किया है, शक्कर का, चीनी का यूज़ नहीं किया है, और जो हमने 1/2 कप घी डाला है इसकी वजह से ये तेल भी बहुत कम अब्सॉर्ब करेंगे। अब देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल के साइड में रख रही हूँ। अब बाकी के भी गुड़ पारों को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, सारे गुड़ पारों को। मैंने सारे गुड़ पारे एक साथ बना के रेडी कर लिए हैं, उसके बाद मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। और अब हम इनको भी फ्लिप करेंगे। देखिए सारे गुड़ पारे अब रेडी हैं, इन्हें निकाल के अब हम साइड में रख देंगे। तो गुड़ का नाम अभी तक नहीं आया है, आप परेशान ना हो। अब हम गुड़ का सिरप बनाएंगे। तो 1/2 कप मैंने पानी गर्म कर लिया है, और इसमें 2 कप जैगरी ऐड करना है। जितना हमने आटा लिया है उतना ही गुड़ लेना है, और इसका एक तार आने तक इसको शीरे को पका लेना है गुड़ के। यानी कि जब आप शीरा पक जाए तो आप हाथ से चेक करेंगे तो उसका 1 तार बनना चाहिए, उतना पकाना है हमको। अब इसमें मैंने 2 इलायची डाल दी ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए गुड़ पारों में। अब ये देखिए इस तरह से चेक करेंगे तो हाथ में स्ट्रिंग बनना चाहिए, 1 तार बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो मुश्किल हो रही है मुझे। तो अब ये शीरा बन गया है, स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे, और ये गरम गरम में ही ये ठंडे गुड़ पारे डालने हैं। अब ये गुड़ पारे हमने जो तल के रखे थे तो ठंडे हैं, लेकिन ये सिरप जो है वो गरम है। ये गरम गरम सिरप में अब हम इन गुड़ पारों को अच्छे से मिक्स करेंगे, कोट कर लेंगे गुड़ से।
और इसमें रहने नहीं देंगे हम, क्योंकि अगर हम इसमें छोड़ देंगे तो सिरप जो है वो गर्म है, इसकी वजह से ये गुड़ पारे सौगी हो जाएंगे। तो इन्हें निकाल के मैं एक प्लेट में रख लूँगी गुड़ पारों को, और इस वजह से गुड़ की भी बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी नहीं लगेगी अगर आप चाहें तो। मैंने इसमें से गुड़ का और शीरा थोड़ा बचा लिया है, इतना सारा यूज़ नहीं किया। देखिए कितने शाइनी, कितने खूबसूरत ये गुड़ पारे लग रहे हैं। अब ये बचा हुए शीरे में भी मैं बचे हुए गुड़ पारे मिला रही हूँ। अब देखिए ये सुबह हो गई है और ये अच्छे से कोट हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, खस्ता बन गए हैं, बहुत ही टेस्टी है। देखिए मैं तोड़ के बताती हूँ आपको कितनी अच्छी बनी है ये गुड़ पारे। इसे मैंने एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है एयरटाइट कंटेनर में। तो अगर आपको मेरी ये हेल्दी टेस्टी गुड़ पारों की रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं आपको दूसरी वीडियो में